हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही यूनिक तरीके से और एक बहुत ही यमी, टेस्टी और जल्दी से बनने वाला पकौड़ा रेसिपी शेयर कर रही हूँ, और वो भी एक दो नहीं, फाइव टाइप का। कोशिश करूँगी फाइव टाइप का बना लूँ। तो देखिए आप लोग आगे क्या क्या मैं कैसे कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं चटनी की तैयारी कर रही हूँ। मैंने टमाटर को चॉप करके और धनिया पत्ता था मेरे पास, कोरिएंडर लीव्स तो वो थे, और हरे मिर्च लहसुन डाल दिया है जार में, और सॉरी लाल मिर्च डाला है। आई एम सो सॉरी, मेरे पास हरी मिर्च नहीं था उस दिन, मैं भूल गई। तो वो डाल के और इसका चटनी बना लेंगे, क्योंकि पकौड़े हो और चटनी ना हो तो मज़ा नहीं आता ना। और मेरे पास धनिया पत्ता पड़ा था, तो उसके साथ ये देखिए चटनी। और ये रहा दही और आलू का चटनी बनाऊंगी मैं। तो ये आप सिंपल दही का भी बना सकते हो। तो चलिए फटाफट से पकौड़े की तैयारी करते हैं। वैसे कर चुकी हूँ मैं, प्याज काट लिया है मैंने, आलू वगैरह रख लिया है, जिसका जिसका भी बनाना है तो वो मैं रख चुकी हूँ आलू वगैरह बॉईल करके। तो सोच रही हूँ पकौड़े बना रही हूँ तो एक ही साथ थोड़ा 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 करके, मतलब तीन चार वैरायटी बन जाए, थोड़ा सा ही बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं, बट बनाऊँगी तो दो तीन चार। वैसे भी बहुत दिनों के बाद बन रहा है ना, मैं काफ़ी दिनों के बाद बना रही हूँ। जल्दी हम लोग नहीं खाते हैं वैसे भी डीप फ्राई किसी भी चीज़, पूरी भी बहुत ही कम बनाती हूँ। तो ये पहले बना लूँगी मैं चटनी। इसमें मैंने बॉयल्ड आलू डाल दिया, जिस आलू का पकौड़े बनाना है उसी में से आलू डाल दीजिए, आपकी मर्ज़ी। आप चाहो तो सिर्फ दही का भी चटनी खा सकते हो, एंड आपके पास नहीं कुछ है तो सिर्फ सॉस केचप से भी काम चल जाएगा, है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर मैंने बेसन रख लिया है, और ये रहा चावल का आटा। तो ये बहुत ज़रूरी टिप्स है, इसके बिना, मतलब पहला टिप तो यही हो गया कि जब भी आप पकौड़े बनाओ ना तो चावल का आटा ज़रूर डालो, अगर है तो, नहीं है तो थोड़ा सा सूजी आप डाल सकते हो, बट अगर कोशिश करो चावल का आटा है तो ये बहुत ही, मतलब गांव स्टाइल टाइप आएगा ना, विलेज में ऐसे बनता है ना, थोड़ा चावल डाल के, मतलब तो फुला के पीस के डब बनता है। ये तो मैं पाउडर डाल रही हूँ सूखा चावल का, और यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल दिया है मैंने। इसमें सारे मसाले डाल दो जो आपको भी खा, जैसा खाना तीखा, तो मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। और ये दो जगह निकाल रखी हूँ मैं, एक तो मैं पतला बैटर और एक प्याज के साथ, जो प्याज का पकौड़ा होता है उसके साथ उसको मिक्स करूँगी, तो इसलिए उसको साइड में निकाल दिया, बट मसाले सेम जाएंगे दोनों में। तो यहाँ पे मैं काली मिर्च और जीरा का पाउडर डाली हूँ, और ये नमक डाली, हल्दी डाली हूँ, अजवाइन डालूँगी क्योंकि पकौड़े हैं तो अजवाइन तो ज़रूरी है डालना। ये देखिए कितना थोड़ा सा मैं बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, थोड़ा सा ही बनाऊँगी। और ये बारिश हो रहा था इस दिन जिस दिन मैं बना रही थी, तो ये थोड़ा थोड़ा पानी करके ना इसको, थोड़ा थोड़ा, इकट्ठा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप इसका घोल तैयार कर लीजिए। इकट्ठा डालिएगा तो लम्स पड़ जाएगा। और ये देखिए पनीर, मेरे पास कुछ पनीर पड़ा था, तो कुछ पनीर का तो मैं सब्ज़ी बना चुकी थी, और कुछ का पकौड़ा, हस्बैंड बोल रहे थे काफ़ी दिन से कि पनीर का पकौड़ा बनाना, तो मैं बोली ठीक है बना देती हूँ। तो ये देखिए पनीर को आप छोटे छोटे स्लाइस में काट लीजिए। दूसरा टिप्स ये है कि आप पनीर को काट के ना थोड़ी देर वैसे ही छोड़ दीजिएगा, मतलब पंखा में छोड़ दीजिए या वैसे छोड़ दीजिए तो अच्छा रहेगा, और बिल्कुल मतलब ड्राई रखना है। और ये बीच बीच में कट लगा के आप इसमें सॉस, केचप या चटनी कुछ भी अंदर लगा दीजिए, बहुत यम्मी टेस्ट आता है इसे। अगर आप नहीं डालोगे तो मतलब पनीर ना उतना मसाला ऑब्जर्व नहीं करता है, तो वो फीका फीका सा टेस्ट आता है, और ऐसे सॉस डाल के ना बहुत टेस्टी लगे। आप एक बार प्लीज़ एक बार ट्राई करिएगा मेरे कहने पे, बहुत ही यम्मी लगेगा। तो ये देखिए मैंने कुछ प्लेन टुकड़े भी रखे हैं, तो पहले मैं ये वाला फ्राई कर लूँगी, इतना गाढ़ा बेटर होना चाहिए। और ये ऑयल गर्म हो गया, ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए, और इधर मैं सॉस निकाली हूँ केचप। तो अगर आपके पास केचप नहीं है तो दही नहीं है तो कुछ तो सरसों लहसुन वगैरह होगा तो सरसों लहसुन का भी आप चटनी बना सकते हो। चटनी तो यार अपने उस क्या है, कुछ भी आप बना लो, नहीं है तो चाय बना लो, चाय के साथ पकौड़े खा लो आप। तो यहाँ पे डालने के बाद ना इसको जैसे आप ब्रेड पकौड़ा में करते हो ना ऊपर ऑयल डालना है, वैसे ही डालना है। तो इससे देखिए कितना मस्त यमी कुकुड़ा पकौड़ा बनेगा,
बहुत ही अच्छा और चिपकेगा नहीं अगर तेल अच्छा गर्म होगा तो। क्योंकि पनीर का पकौड़ा में क्या होता है ना कि बैटर आप जल्दी से नहीं चिपकता है, अगर आप पनीर डालते हो बैटर में तो बैटर अलग हो जाता है। तो उसको थोड़ी देर पहले काट के रखोगे ना और उसका पानी पूरा ऊपर से सूख जाएगा, और अगर नहीं सूखा है झटपट बनाना तो सूखा आटा थोड़ा सा आप या बेसन हल्का सा लगा दो। गर्मा गर्म निकाल रही थी, हस्बैंड खाते जा रहे थे क्योंकि गर्म ना खाओ तो फिर बेकार है पकौड़े बनाना। तो पनीर का यहाँ पे ख़त्म हो गया, साथ में मैं आलू बोंडा भी बना ले रही हूँ। आप या आलू का पकौड़ा या आलू चॉप बोल लो। तो यहाँ पे आलू मैं स्टफिंग तैयार कर रखी हूँ, जैसे चोखा बनाते हैं ना बिहारी स्टाइल में आलू का भरता, उसको प्याज आलू बॉयल करके प्याज वगैरह डाल के उसको भून लिया है मैंने। आप कच्चा प्याज भी डाल सकते हो बट भुना हुआ टेस्ट अलग आता है। और इसी सेम वेटर में इसको भी डिप करके, तो एक साथ ये दो पकौड़ा हो जाएगा। और प्याज के लिए मैं अलग रखी हूँ, मिर्च का बनाई थी एक, और एक चीज़ का और बनाई थी, मैं आपको दिखाऊंगी आगे आप लोग देखना। तो ये आलू का है, हस्बैंड को बहुत पसंद है आलू का ना, आलू का पकौड़ा ब्रेड का पकौड़ा बहुत पसंद है, और प्याज का तो बहुत ही पसंद है उनको। तो मैं चाय भी बनाई थी, देखिए थोड़ा सा ग्लास में इधर रखा हुआ है चाय, और वो पनीर आपको दिख रहा ना साइड में, वो पनीर बचा हुआ था सब्ज़ी के लिए, तो मैं वही बोल रही थी कि सब्ज़ी के लिए मैंने बचाया था पनीर, थोड़ा सा सब्ज़ी बनाया था मैंने और थोड़ा सा का पकौड़ा बना लिया था। तो बारिश हो रहा था, ठंड थोड़ा सा मन कर गया खाने का हस्बैंड का, तो ठीक है। और ये देखिए दो टाइप के चटनी हो गया, और ये मैं कट करके दिखा रही हूँ, है ना, अंदर सॉस यमी लग रहा है ना, और कितना चिकना चिकना सा बना और फूले फूले से बिल्कुल, बिना सोडा का बिना किसी भी चीज़ का। आप सोडा नहीं डालोगे तो ही अच्छा रहेगा, सोडा वैसे भी नहीं खाना चाहिए। और ये देखिए प्याज का पकौड़ा, प्याज को वैसे लच्छेदार में चॉप कर लीजिए आप फाइन, और स्लाइस में काट लीजिए, और उसके स्लाइस ना सारे खोल लीजिए वैसे बेसन में डालने से पहले हाथ से वैसे करके, और फिर बेसन में इसको छान के और उसमें बेसन में पूरा अच्छे से मिक्स करके और ये डाल दीजिए इसमें। इसमें पानी आप मतलब ना के बराबर, जितना कम डालिएगा प्याज में पानी, प्याज वाला में पानी, उतना ही बेस्ट पकौड़ा और करारा बनेगा क्रिस्पी। क्योंकि पानी डालने से ना फिर प्याज भी पानी छोड़ता है तो ज़्यादा ही मतलब सॉफ्ट सा हो जाएगा। तो ये देखिए ऐसा ही दिखना चाहिए। तो आप एक तरीके से और बना सकते हो, बिल्कुल पानी ना डाल के उसको मिक्स करके कुछ देर छोड़ सकते हो तो वैसे भी हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा तीन टाइप का पकौड़ा, और एक मैंने मिर्ची का बनाया था चार, और एक मैंने बनाया था परवल का पकौड़ा। तो मेरे पास परवल फ्राई पड़ा था तो उसको भी मैंने बेसन में डिप करके और उसको भी छान लिया था। तो पांच टाइप का पकौड़ा मैंने बनाया था। आपके पास जो कुछ भी सब्ज़ी बचा है मिक्स पकौड़ा बना सकते हो, सारी सब्ज़ी काट के। ये देखिए साइड में परवल वाला पड़ा है और एक मिर्च वाला है, वो मैं दिखा नहीं पाया, आई एम सो सॉरी, क्योंकि कुछ नहीं किया, बस परवल फ्राई था उसको डीप कर दिया बेसन के बैटर में और छान दिया।
तो ये सिंपल सा छोटा सा बिगनर के लिए था पकौड़ा टिप्स। वैसे तो बहुत लोगों को आता होगा छानने, जिसको नहीं आता है उनको थोड़ा सा ये मदद कर देगा वीडियो। तो मिलती हूँ नए ब्लॉग में। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।